इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का अहम मौजू, आज का यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस शायद तारीख में पहली बार इस तरह का हुआ। मरकजी मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा था। किसानों को गाजीपुर रास्ता दिया हुआ था, पर आगे जाकर इस रास्ते को भी रोक दिया गया, लिहाजा किसानों में गजब की नाराजगी भी देखी गई। वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को लेकर गुस्सा और अफसोस दिखाई दे रहा था। पिछले तकरीबन दो महीने से भी जायद किसान बिल को लेकर एहतजाज जारी है। वैसे भी किसानों ने पुरअमन ट्रैक्टर रैली की बात कही थी, पर कुछ किसानों का कहना था कि जब रास्ता मुतय्यन कर दिया गया था तो पुलिस के जरिए रास्ता क्यों रोका गया। टिकरी और सिंध बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की गई। यौम जमहूरियत के परेड में किसान ट्रैक्टरों के साथ शरीक होने वाले थे, पर इन्हें इजाजत नहीं दी गई। पर कभी किसी ने नहीं देखा होगा, सारी दुनिया ने देख लिया कि यौम जमहूरियत के परेड में पहली मरतबा गोलीबारी, आंसू गैस के गोले दागना और आगजनी तोड़फोड़ देखी गई। किसानों की ट्रैक्टर परेड भी इस राजधानी दिल्ली में चल रही है। इस दौरान दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास किसान और सुरक्षा बलों के बीच टकराव देखने को मिला। किसानों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, वहीं पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास की तस्वीरें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक गोली लगने से एक एहतजाजी की मौत होने की बात भी कही जा रही है, जिसे लेकर किसान और भी तैश में आ चुके हैं। मोदी हुकूमत के लिए यकीनन ये इम्तिहान का वक्त है। ट्रैक्टर रैली जल्द ही निकल गई, जबकि किसानों को 12 बजे के बाद का वक्त दिया गया था। टिकरी और सिंध बॉर्डर से हजारों की तादाद में किसान लाल किले की तरफ निकल पड़े। ट्रैक्टर रैली तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तवील होने की बात भी कही जा रही है। किसानों ने पुरान तरीके से ट्रैक्टर परेड करने की बात कही थी, तो आखिर खून खराबा और बैरिकेड्स तोड़कर लाल किले पर परचम लहराने तक की वारदात को किसने अंजाम दिया। आज के तशद्दुद को लेकर एक बार फिर मोदी हुकूमत निशाने पर है। लाल किले पर किसानों का परचम और सिख समाज का परचम लहराया गया। शायद तारीख में पहली बार हुआ कि 26 जनवरी के परेड के दिन लाल किले पर तिरंगा परचम के साथ सिख और किसान परचम को लहराया गया, पर इस हरकत को किसान तंजीमों की जानिब से मजम्मत करते हुए देखा गया। इस काम को भी मोदी हुकूमत की साजिश का हिस्सा कहा जा रहा है। गोदी मीडिया कहकर कुछ एंकरों को भी पीटने की इत्तला हासिल हुई। अब न्यूज चैनलों ने इस बात पर भी बहस शुरू की हुई है कि क्या इस तशद्दुद से किसान आंदोलन रुक जाएगा, या किसानों के एहतजाज को अब ब्रेक लगेगा, या किसान एहतजाज खत्म हो जाएगा। लिहाजा इस बात पर किसानों ने जवाब देते हुए कहा कि तमाम हरकत भाजपा, मोदी हुकूमत या संघीय विचारधारा के लोगों की है। जब लाल किले के करीब इतनी पहरेदारी होती है और सख्त पहरा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मारता, तो एहतजाजी कैसे घुस गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतजाजी पहले से ही दबे बैठे थे, तो सवाल ये उठता है कि खुफिया एजेंसियां और इंतजामिया मोहकमा क्या कर रहा था। किसान कैद राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान बिल को हुकूमत वापस नहीं लेना चाहती, लिहाजा किसानों को बदनाम करने के लिए मोदी हुकूमत की साजिश है। कई किसान लीडरों ने तो ये भी कहा कि तशद्दुद बरपा किया हुआ है, इन पर मुकदमे दायर करने की जरूरत है, क्योंकि ये किसान है ही नहीं, बल्कि पुरअमन किसानों के ट्रैक्टर रैली को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मीडिया या हुकूमत ये ना समझे कि अब किसानों का एहतजाज खत्म हो रहा है, बल्कि इसे आगे और तेज किया जाएगा। किसान लीडर और स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने कहा कि 1 फरवरी को संसद भवन का घेराव करेंगे। किसान अब हजारों की तादाद में संसद भवन यानी पार्लियामेंट का घेराव करेंगे, और जब तक बिल को वापस ना लिया जाएगा तब तक ये जद्दोजहद जारी रहेगा। 26 जनवरी के मौके पर देश के मुख्तलिफ शहरों में भी
किसानों की हिमायत में ट्रैक्टर रैलियां निकाली गई। बेंगलोर फिर बम्बई में भी हजारों की भीड़ मोदी हुकूमत के किसान कानून को मंजूरी की मुखालफत में जमा हुए। इस एहतजाज को रियासती उद्धव ठाकरे हुकूमत की हिमायत भी हासिल रही। जो भी हो, लेकिन किसानों की रैली पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागना या फिर गोलीबारी के बाद एक की मौत के लिए हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था या नज्म जब्त की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। इस वारदात के बाद मोदी हुकूमत फिर बदनाम हो चुकी है, और शायद नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के बाद किसान कानून और किसानों पर लाठीचार्ज भी एक और गलत तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना इस वारदात का मुल्क भर में क्या असर होगा। किसान कानून को लेकर बेलगाम में भी ट्रैक्टर रैली का ऐलान किसान तंजीमों की जानिब से किया गया था। सुबह 11 बजे के करीब ट्रैक्टर के साथ किसान शहर में दाखिल होना ही चाहते थे, पर इंतजामिया की जानिब से किसानों को सुवर्ण सौध के करीब ही रोक दिया गया। पुलिस बंदोबस्त भी काफी था। डीसी दफ्तर चन्नमा सर्कल में कुछ किसान तंजीमों के अफराद पहुंचे और उन्होंने दिल्ली के किसानों की हिमायत में अपना एहतजाज दर्ज भी किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन में मुख्तसर इजलास का कयाम अमल में आया, जिसमें मोदी शाह जोड़ी ने किस तरह देश की बुरी हालत फरमाई है, लिहाजा आज यौमे जमहूरिया के मौके पर सभी को एक होकर देश में मौजूदा हुकुमशाही के खिलाफ आवाज उठाकर लोकतंत्र को मजबूत करने की मांग की गई। ಯಾರ ಕೇಳಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಮತ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು. ಸುಮಾರು 90 ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು, ಇರಬೇಕು ಅದು ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ನಿಯಮ ಅದ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ರೈತ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲಿದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದ. ಇದ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು, ಜನರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಕಾನೂನು ಐತಲ್ಲ, ಈ 119 ಜನ ರೈತರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ತಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡೋದು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಈಗ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಈ ಮೋದಿ ಜಪ ಏನಂದ್ರೆ ಜೈ ಅದಾನಿ ಜೈ ಅಂಬಾನಿ ಆಗೈತಿ. आज बेलगाम शहर में यौम जमहूरियत बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा आज गणतंत्र दिवस के मौके पर फिर लहराया गया। एमएलए नॉर्थ अनिल बेनके के हाथों परचम लहराया गया। इस वक्त दिगर जिम्मेदार हजरात भी शरीक रहे। भारत का सबसे ऊंचा तिरंगे के तौर पर बेलगाम किला तालाब का यह परचम अपनी पहचान बनाए हुए। इस परचम की देखभाल और इसकी तकनीकी तवज्जो की टीम में खास तौर पर अब्बास मोमिन, आसिफ नालबन, मखदूम करेगा, बाबू हंगेकर, सचिन गडगी, मोकाट अंबरी खिदमात को अंजाम देते हैं। बेलगाम कांग्रेस दफ्तर में भी रिपब्लिक डे जोर शोर से मनाया गया। कांग्रेस कारकुनान इसमें कसीर तादाद में शरीक रहे। परचम रिसाई को अंजाम दिया गया। महात्मा गांधी की तस्वीर को फूल मालाएं चढ़ाई गई। देश के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कुर्बानी और यौम जमहूरियत की अहमियत और देश की मौजूदा हालात पर इजहार ख्याल किया गया। इस वक्त कांग्रेस जिम्मेदार विनय नवलगट्टी, जनाब आसिफ राजू सेठ साहब, इमरान तपकीर और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। राष्ट्रगीत गाकर इजलास अख्ताम पजर हुआ। इसी तरह बेलगाम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया समता सैनिक दल तंजीम की जानिब से भी यौम जमहूरियत मनाया गया। RPI दफ्तर के सामने आज तिरंगा परचम लहरा गया। इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी MLA अनिल बेनके, परशुराम शिंदे, मोहतरमा दिलचाद तहसीलदार डॉक्टर प्रवीण हिरेमठ, दीवान साहब देसाई, मुजम्मिल मारिहाल, हसीना शेख और हक्सी मनी दिगर तंजीम के जिम्मेदारान शरीक रहे। हाल ही में जिलेटिन धमाकों से शिमोगा शहर दहल गया था। इससे पहले भी बेलगाम शहर और अतराप में हथियार, बारूद और कुछ दहशतगर्दों की गिरफ्तारी भी अमल में आई थी। लिहाजा एक और कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। गोकाक से जिलेटिन बारूद के साथ एक अफराद को गिरफ्तार किया गया। इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से गोकाक तालुका कुलगोड थाने के मनिकिरी गाँव की सरहद से दौरान पेट्रोलिंग ट्रैक्टर से तकरीबन 50 जिलेटिन की छड़ियां बरामद की गई। साथ में ब्लास्टर चार्जर भी हासिल हुआ है। पुलिस तहकीक जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।